Assalamualaikum. My name is Kasoom and I'm a student of BS Physics from Fatma Zinna Women University, Rawalpindi. और मैं यहाँ पे अपने आइडिया एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर के साथ एनआईडी में मैंने रजिस्टर किया. अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है जिसकी हम वक्त पे कदर नहीं कर सके, और इसकी किल्लत अब पाकिस्तान में है. हमें सबसे ज्यादा मसाइल जितने भी आ रहे हैं वो पानी की किल्लत या फिर एक नाकिस पानी की वजह से आ रहे हैं. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपना एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर इंट्रोड्यूस करवाया है कि जिसकी वजह से हम लोग पानी, एक फ्रेश वाटर को हर जगह अवेलेबल करवा सकेंगे ताकि लोग उसका इस्तेमाल करके इन सब मसाइल से हल पा सकें. जो सोल्यूशन हमने लिया है वो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर की डिवाइस है कि जो कि डीह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर के प्रिंसिपल पे काम करती है, और इस पे हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो पाकिस्तान में आज तक पहले कभी यूज नहीं हुई. और ये टेक्नोलॉजी इतनी एफिशिएंट है कि इसको यूज करने के लिए बहुत कम एनर्जी आपको चाहिए होगी और ये बहुत ही सस्ते में आपको पड़ जाएगी. डीह्यूमिडिफिकेशन होगी, मतलब बेसिकली इसमें हम लोग एटमोसफेयर से ह्यूमिडिटी को कंडेंस करेंगे. और फिलहाल तो मैं इसको एज ए सोर्स इसके साथ हम लोग यूज करेंगे. लाइक आपको पावर आउटलेट ही चाहिए होगा इसको वर्किंग के लिए. लेकिन इसकी जो मोबिलिटी वाली में डिवाइस हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो आप ऑन द गो यूज कर सकोगे, उसमें हम सोलर पैनल्स इन्वॉल्व कर देंगे. एंड फॉर द एरियाज विद अ लो परसेंटेज ऑफ सोलर एक्सपोजर हम उन एरियाज के लिए फिर मैग्नेटिक मोटर्स इंट्रोड्यूस कर. ये डिवाइस जो है हम लोगों ने इसकी फिलहाल ये प्रोटोटाइपिंग स्टेज के फाइनल स्टेजेस पे है, तो इस वजह से अभी इसकी टेस्टिंग हम लोग रन कर रहे हैं. फिलहाल हम इसे अपने एरिया में टेस्ट करेंगे, बट फॉर नाउ जितने भी टेस्ट हो चुके हैं उसमें इसकी पानी की डेवलपमेंट बहुत अच्छी रही है एंड द क्वालिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो बीन अश्योर्ड टू हैव द सेफ लेवल फॉर ड्रिंकिंग. इस डिवाइस से जो मिनिमम हम रेंज कवर करना चाह रहे हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मिनिमम रेंज जो कि 2.5 लीटर्स पर कैपिटा अ डे होती है, हम उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर 19 लीटर्स पर डे तक हम लोग इंशाल्लाह जरूर पहुंचेंगे. सबसे बड़ी आसानी जो हम लोगों को फराहम करेंगे वो इसकी कन्वीनियंस है कि ये डिवाइस इतनी छोटी है एज कम्पेयर टू अदर डिवाइसेज कि ये आप लोग इजीली कहीं भी इसको अपने साथ मूव कर सकते हैं, आप इसको कहीं ले जा सकते हैं. इसके सोलर पैनल पे होने से आप इसको ऑन द गो कहीं भी यूज कर सकते हैं. दूसरा ये कि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो पाकिस्तान में पहले कहीं भी यूज नहीं हुई, और इसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी है कि जो ऑलरेडी मार्केट में कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ये उनसे बहुत ज्यादा कम एनर्जी कंज्यूम करके आपको पानी उतना ही जनरेट करके दे देगी. डायमेंशंस बेसिकली अभी तो हैं कि आपके इसकी साइज जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट है, ऑलमोस्ट दिस मच. आप इसको इजीली उठा के कहीं भी यूज कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं. एंड द प्राइस विल बी ऑफरिंग वुड बी इन द 5 digits. जो ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हैवियर हैं, पावर कंज्यूमिंग है, वो आपको 6 digits में पड़ेंगे. बट फॉर नाउ वी हैव एस्टिमेटेड एन अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 80 to 70 to 80,000. कॉम्पिटिशन के बाद आई एम थिंकिंग ऑफ रजिस्टरिंग द कंपनी इन पार्टनरशिप विद माई यूनिवर्सिटी, और आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एज वेल. सो इंशाल्लाह आफ्टर दिस कॉम्पिटिशन आई विल बी रजिस्टरिंग माई ओन कंपनी. थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज आर बॉर्न ईच डे, बट हम उन आइडियाज को ये सोचकर छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार इन पे काम करने से क्या फायदा, हमारा वक्त जाया होगा, कोई और बंदा भी कर लेगा, कोई और सोच लेगा. बट आपको ये आइडिया आना ही कामयाबी की तरफ आपका पहला कदम है. सो नेवर गिव अप ऑन योर आइडियाज. जैसे ही आपको कोई आइडिया आए, गो टू अ प्लेटफॉर्म. आपके लिए एनआईबी से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता. यू कैन गो रजिस्टर योरसेल्फ एन एनआईबी. आप इस प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करें खुद को आइडिया को अपने पॉलिश करें एंड वर्क स्मार्टली. एंड योर 5 years आई एम होपिंग के ये जो कंपनी मैं एस्टेब्लिश करने लगी हूँ कि पाकिस्तान भर में इस डिवाइस की सेल्स कर सके, ताकि जो पानी की किल्लत है उससे पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस लेवल्स से बाहर आ सके, और पाकिस्तान को जितने भी मसाइल हैं पानी से रिलेटेड वो सारे हल हो सके. एंड द नेक्स्ट स्टेप वुड बी इंशाल्लाह द इंटरनेशनल लेवल मार्केट, एंड वी विल बी प्राउडली प्रेजेंटिंग इट बाई